दोस्तों, सिविल डिजाइन के क्षेत्र में आप रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही ऑटो कैड की। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं तो आपको ऑटो कैड आना ही आना चाहिए। अगर आप एक सिविल साइट इंजीनियर हैं तब भी आपको ड्राइंग को रीड आउट करने के लिए, ड्राइंग को समझने के लिए आपको ऑटो कैड आना ही आना चाहिए। दोस्तों, आज ही हम ऑटो कैड के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं ऑटो कैड तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, हमारे चैनल सिविल डिजाइन में। गाइस, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो आप इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बारे में पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप इस वीडियो को देख सकें, लर्न कर सकें। और अगर आप नहीं भी सिविल इंजीनियर हैं या इससे सिविल से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपना खुद का घर डिजाइन कर सकते हो 2D एंड 3D में। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं सिविल डिजाइन यूट्यूब चैनल। गाइस, देख सकते हैं, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आप, ये वर्क स्पेस इसको बोलते हैं। ये आपका WCS है, यहाँ पे आप ये कोऑर्डिनेटर है, ये यहाँ से XYZ होता है, जो 3D में XYZ और 2D में XY डायमेंशन, ये हॉरिजेंटल होता है, ये वर्टिकल होता है, ये सब शो करता है। ये गाइस आपका फाइल न्यू, यहाँ से जो कुछ भी ओपन करेंगे पेज न्यू यहाँ से इंसर्ट होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा कोई भी फाइल आपका होगा और यहाँ से सेव हो जाएगा ये आपका जो भी फाइल प्रोजेक्ट रहेगा, और सेव दोबारा उसको सेव करना है तो सेव एज कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट आपका यहाँ से आपको अब जो भी ड्राइंग बनाया है उसको प्लॉट करना है या उसकी प्रिंट आउट निकालना। गाइस, फाइल में आपको सारे फाइल के आइटम्स मिल जाते हैं, आइटम्स से क्या हुआ या कमांड्स को यहाँ से न्यू है ओपन जो कुछ मैंने यहाँ से शो किया है। नेक्स्ट एडिट में आपको एडिट करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए सारे मिल जाते हैं औजार कहें तो। व्यू में आप जो भी आप व्यू करना चाहते हो, ऑर्बिट वगैरह, कैमरा वगैरह, वॉक एंड फ्लाई या क्रिएट कैमरा वगैरह, सारा कुछ यहाँ से शो हो जाएगा गाइस आपका। और इंसर्ट वाले में आपको सारी फाइल्स वगैरह इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से कुछ भी इंसर्ट PDF वगैरह, एडिट GN है और विंडो मेटा फाइल है, जो कुछ भी है यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट का है, आपको फॉर्मेट में लेयर वगैरह सेट करनी है या कोई भी स्टाइल चेंज करनी है, टेक्स्ट स्टाइल, डायमेंशन वगैरह की, यानी कुछ भी यहाँ से चेंज फॉर्मेट में कर सकते हैं गाइस। टूल्स है, टूल्स में आपको ये सारी कमांड्स दिख रही हैं, आपका टूल है ड्रॉवर वगैरह, आइसोलेट, इंक्वायरी वगैरह, जो कुछ भी है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ कमांड में, आपको ड्रॉ कमांड मिल रही हैं। ये कमांड्स आपको इस पे इधर शो कर रही होगी, ये फ्रंट पेज पे ही लगा के रखी जाती है। इन सभी के बारे में डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं नेक्स्ट टाइम। आप अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे ही हम इसके बारे में डिटेल वीडियो बना के अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसी ये आपकी बोलते हैं इसको मॉडिफाई टूल बार, तो मॉडिफाई टूल बार जो है आपका इधर पूरा शो कर रहा है, जो कि मॉडिफाई किसी भी अपना जो भी ड्राइंग बनाएंगे उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज में होता है। ये पैरामेट्रिक है, यहाँ से जो भी है पैरामेट्रिक यूज में कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, ये अपना डायमेंशन वाला छूट गया था, यहाँ से आप किसी भी तरह का डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो हेल्प एंड एक्सप्रेस, उनसे अपन को कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो गाइस, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, गाइस यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, जो कुछ भी आप ड्राफ्टिंग एनोटेशन है या 3D बेसिक या 3D मॉडलिंग है, ऑटोकैड क्लासिक 2015 में तो ये यूज करता हूँ अभी। और नेक्स्ट गाइस, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उसके आगे लेयर का आएगा। इस लेयर के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। तो गाइस, इसको डिटेल में समझाएंगे। लेयर सबसे मतलब कोई भी फाइल वो प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसको बनाना होता है, सेट करना होता है अपनी लेयर्स को।
गाइस लेयर्स के बारे में, यहाँ पे कलर्स वगैरह हैं, जितना भी जो कुछ सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो। और लेयर पता करना होता है कि बाई लेयर बाई ब्लॉक या कंटिन्यूस या दर्श है, और यहाँ पे इसका लाइनिंग जो होती है लाइन की मोटाई शो करता है। ठीक है गाइस, ये आपको जो ड्रा टूल बार है ये आपका मॉडिफाइड टूल बार हो गया, ये आपका WCS बताई दिया आपको। यहाँ पे आप जो भी कमांड्स टाइप करेंगे वो यहाँ पे कमांड शो होगी। अब जैसे मैंने सर्कल के लिए C टाइप किया और एंटर कर दिया तो यहाँ पे सर्कल बन के आ गया। सेम इसी तरह से ये आप सर्कल के लिए, यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है, इसको उठाइए यूं बना दीजिए। तो इस तरह से गाइस मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप किसी भी कमांड को डायरेक्टली कीबोर्ड की मदद से किस तरह से आप शॉर्ट की लगाकर एक बहुत अच्छी तरह से और बहुत फास्टली ड्राइंग डिजाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, देखते रहिए, और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।